नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा सरकार में अधिकारी कितना बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं, इसकी वानगी आगरा के सर्किट हाउस में देखने को मिली, जहां विजन डॉक्यूमेंट्री के लिए बुलाई गई बैठक में पहुंचे भाजपा के पशुधन कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह के सामने आगरा कमिश्नर अनिल कुमार फिर मर्यादा भूल गए। कैबिनेट मंत्री की जगह खुद मुख्य कुर्सी पर बैठ गए, जबकि उनके साथ वाली कुर्सी पर डीएम आगरा एनजी रवि कुमार बैठे थे। उनके बाद कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह कुर्सी पर बैठे नजर आए, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया के संज्ञान में आया और कैमरे चले, आगरा कमिश्नर आनन फानन में मुख्य कुर्सी छोड़कर मंत्री को कुर्सी दे दिए। आपको बताते चलें कि आगरा कमिश्नर अनिल कुमार के तानाशाही का ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी मथुरा में तहसील दिवस में पहुंची एक पीड़ित महिला पैरों में गिरकर फरियाद करती रही और अपने अहम में डूबे आगरा कमिश्नर अनिल कुमार ने पीड़ित महिला को भी नज़रअंदाज कर दिया था। तब भी साहब सुर्खियों में आए थे। क्या मंत्री और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना नहीं जानते आगरा कमिश्नर, या खुद से ज़्यादा सम्मान देना नहीं चाहते आगरा कमिश्नर अनिल कुमार? सवाल बड़ा है।